शाहरुख खान की 5 ऐसी मूवी जिसे देखकर मुझे बहुत मजा आया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको भी बता दूं, और अगर आपने नहीं देखा होगा तो जरूर देखना। तो आइए जानते हैं, अगर इनमें से आपने कोई भी मूवी देखा होगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस लिस्ट में जो पहली मूवी है वो आज भी यार, जे ये मूवी 1995 में रिलीज हुई थी और आज भी ये मुंबई के मराठा मंदिर में चल रही है, और वो उस समय की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी है। और यार इस मूवी को जितना बार देखा जाए उतना बार ही मजा आता है, और ये मूवी हर बार फ्रेश लगती है। और हमारे लेजेंडरी विलन कौन को आप कैसे भूल सकते हो, अमरेश पुरी जी। इस लिस्ट में दूसरी मूवी है करण अर्जुन, जो के 1994 या 95 में ये भी मूवी आई थी, और यार ये सलमान और शाहरुख की फर्स्ट मूवी थी जो कि उस समय की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी थी। और इसमें भी विलेन के रूप में हमें अमरेश पुरी जी देखने को मिले थे, और उनका एक्टिंग तो लाजवाब था। ठाकुर तो गयो, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है यार। मैं इस लिस्ट में तीसरी मूवी है पठान, जो कि 2023 की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी है, और इसे मैं थिएटर में तो नहीं देख पाया था लेकिन मोबाइल पर देखने में मजा ही आ गया था। आपने इस मूवी को थिएटर में देखा या OTT पे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस लिस्ट में जो फोर्थ मूवी है वो जवान है, और इसका डायलॉग यार ये मुझे आज भी कानों तक गूंज रहा है, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर, इस साल का सबसे बड़ा डायलॉग जो कि लोग आज भी बोलते हैं। अगर आपने ये मूवी नहीं देखा तो नेटफ्लिक्स पे OTT पे आपको मिल जाएगी, आप देख सकते हो, और ये इस साल की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी है। बनिए का दिमाग और मियां भाई की डेयरिंग, आप तो जान ही गए होंगे कि मैं कौन सी मूवी की बात कर रहा हूँ। यार ये 2017 की सुपर हिट मूवी थी, और लगता है कि पुष्पा को इसी मूवी से देखकर बनाया गया है, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन यार ये रईस मूवी जब मैंने देखा था तो मुझे भी बहुत मजा आया। अगर आप भी इस मूवी को नहीं देखे हैं तो जुगाड़ू साइट से आप डाउनलोड करके देख सकते हो। अब बात करते हैं शाहरुख खान की नेक्स्ट मूवी डंकी का। यार इसका तो पूरा इंडिया वेट कर रहा है, और मैं भी। आप लोगों को कितना वेट है आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हो। अगर आप भी SRK के फैन हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।